अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। इस मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में बीजेपी सांसद छेदी पासवान द्वारा किए गए बयान पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हमला बोला है। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा कि परपंच और फरेब से बनी सरकार पर रोजाना उसके सहयोगी दल के नेता ही सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी ने अपने ट्वीट में कहा कि डकैती, झूठ, लूट, छल, परपंच और फरेब से बनी बिहार सरकार को आज एक महीना हो गया है। सरकार में दो उप मुख्यमंत्री हैं और सबसे अधिक मंत्री विधायक वाली बीजेपी के एमपी, एमएलए और मंत्री ही प्रतिदिन अपनी लुटेरी सरकार यानी सीएम और पार्टी पर सवाल उठाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि चोरी की नई नवेली सरकार को एक महीना समय दे रहे हैं ताकि वो प्रदेश के करोड़ों बेरोजगारों, छात्रों और किसानों की मांगों को पूरा करने में सफल दिखे। प्रशासन के कण कण में व्याप्त भ्रष्टाचार और प्रदेश के कोने कोने में स्थापित बेतहाशा अपराध को काबू करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। आपको बता दें कि बिहार में रोहतास जिले के कोचस में हाल ही में पेट्रोल पंप मालिक के बेटे की हत्या कर दी गई थी। ऐसे में सासाराम के सांसद छेदी पासवान पीड़ित परिवार से मिलने कोचस पहुंचे, जहां उन्होंने रोहतास एसपी सत्यवीर सिंह पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि रोहतास जिले में पहली बार इस तरह का निकम्मा एसपी आया है। सांसद छेदी पासवान ने कहा कि निकम्मा और निठल्ले एसपी के कारण ही रोहतास में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। जाहिर है कि जब पुलिस कप्तान ही निकम्मा रहेगा तो उसके निचले स्तर के अधिकारी भी निकम्मी और निठल्ली बनकर ही काम करेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरीके से नीतीश के मंत्री ही अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उससे विपक्ष को भी सरकार को घेरने का मौका मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसपीएन 9 न्यूज़।